नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां इन दिनों मुख्यमंत्री की खुड़की के बाद जिला प्रशासन मादक पदार्थों की अवैध बिक्री परिवहन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। यह अभियान कितना सफल है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से विगत कुछ दिनों से मामले दर्ज किए जा रहे हैं उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ अनवैध कारोबार जमकर फल फूल रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि जिले में ताबड़तोड़ अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं, जो विगत एक वर्ष से पुलिस को नहीं दिख रहे थे। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जाती है, जहां खुलेआम युवक के द्वारा गांजा बेचा जा रहा है। उक्त युवक शाहपुर थाना क्षेत्र के हटवा निर्भयनाथ का रहने वाला बताया जाता है, जिसके द्वारा खुलेआम गांजे की बिक्री की जाती है। हालांकि उक्त वीडियो कब का है और किसके द्वारा बनाया गया इसकी पुष्टि विराट 24 न्यूज नहीं करता, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि छोटी मछलियों को पकड़कर पुलिस प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने का दिखावा कर रहा है, जबकि बड़ी मछलियां निर्भय होकर अवैध कारोबार में संलिप्त हैं और इनके कारोबार में पुलिस विभाग से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हैं। देखिए वीडियो और आप अनुमान लगाइए कि किस तरह से खुलेआम गांजा कोरेक्स की बिक्री की जा रही है। उसका वीडियो दिखाओ मुझे फिर से। इसका शांतु का आज है कि हैया है वीडियो। आज यह कपड़ा पहन के आई थी है ना। अच्छा क्रॉप टॉप था ना। जलना